हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो फाइनली मेरा बर्थडे आने वाला है 9/5 को और आज 7 है, तो मैं अपने बर्थडे के लिए तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुई। और मेरी दीदी की शादी आने वाली है तो उसके लिए भी हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और हमने काफ़ी सारे ड्रेसेस खरीद लिए हैं और काफ़ी सारी अभी पेंडिंग में है क्योंकि शॉपिंग तो खत्म होगी नहीं जब तक शादी नहीं हो जाती। तो अभी हमारा पूरा घर फाइनली फैला पड़ा है, जो अभी हम नानी के यहाँ से शॉपिंग करके आ रहे हैं। तो नानी के यहाँ से जितना भी सामान था सारा लग गया, जब भी हमारा ऐसे सारे में बिखरा पड़ा है। तो अभी मम्मी धीरे धीरे करके अलमारी में लगा रही है। और क्या नाम है, और हाँ अभी मैं अपने बालों मेरे बाल थोड़े से नीचे से कर ली हैं तो उनके लिए मम्मी ने अभी रात को ही देखा था, एक टिप है स्ट्रेट करने के लिए, बट वो पता नहीं सक्सेसफुल होगी कि नहीं। मैं आपको दिखा देती हूँ, उसके लिए हमें चाहिए दूध और शहद, तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ, तो चलिए देखते हैं। स्टैंड में और ये मुझे मिला है गिफ्ट बाय माय मासी एंड माय मासा जी। तो उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है मेरे बर्थडे का। तो जैसे भी मेरा बर्थडे जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है। और अभी मेरी मौसी का छोटू बेबी हुआ है क्यूट सा। तो आप अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो कर रखा है तो उसको जाके फॉलो, अगर नहीं कर रखा है तो उसको जाके फॉलो कर लो, और कर रखा है तो वेल डन। तो उसमें मैंने छोटी छोटी पिक्स लगाई हुई है और मैं अभी उसकी वीडियोज मंगा लूँगी मौसी से व्हाट्सअप करके, तो वीडियोज मंगा लूँगी तो उसकी वीडियो अगर मुझे मिल जाएगी तो मैं छोटे छोटे क्लिप्स में डाल दूंगी उसकी वीडियो इस वीडियो के अंदर। तो फिलहाल ये जो वीडियो है ये मैं शॉपिंग के ऊपर नहीं बना रही हूँ,
तो ये वीडियो है मेरी बालों के लिए, सिर्फ और सिर्फ बालों के लिए। तो अभी मैंने ऐसे बाल स्ट्रेट करने के लिए कर रखा है, और अभी आप लोगों के लिए सरप्राइज है। मेरे को तो पता है क्या सरप्राइज है, आप लोगों के लिए सरप्राइज है। तो अभी थोड़ी देर में हम जाएंगे ताकि मेरा सरप्राइज पता लग जाएगा। तो फिलहाल ये रेमेडी तैयार हो चुकी है, और अभी मम्मा थोड़ी साफ सफाई कर रही है। तो 5-10 मिनट वेट करने के बाद मैं इसको अपने बालों में लगवाऊंगी ताकि मेरे बाल स्ट्रेट हो जाए। और अगर एक्चुअल में स्ट्रेट नहीं भी हुए तो दूध और शहद बहुत ज़्यादा अच्छा होता है आपके बालों के लिए। तो जो भी होगा देखते हैं, वैसे कुछ अच्छा ही होने वाला है तो तुमको पता है। तो अभी मम्मा क्लीनिंग कर रही है, तो क्योंकि मेरा बर्थडे भी है तो सेलिब्रेशन करेंगे, इसलिए क्लीनिंग चल रही है, और वेडिंग के लिए भी क्लीनिंग चल रही है। तो अभी फिलहाल इतना ही, अभी 5-10 मिनट बाद फिर आते हैं। और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का जो नेम है वो नीचे दे दूंगी टाइप करके, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी मेरा अकाउंट का। तो प्लीज़ वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मुझे आपकी तरह बहुत सारा सपोर्ट चाहिए। वैसे हाँ बस ठीक है, बाय बाय। जैसे भी आप शैम्पू करते हो, बट शैम्पू ध्यान से रखे कि कहना मैं मतलब सारा आपका जो भी आपके वालों में लगा हुआ है वो सारा उतर जाए, बिकॉज शहद चिपचिप ऐसा होता है, और मेरे हाथ अभी भी चिपचिप कर रहे हैं। चींटियां आपके सर पे आ जाएंगी। नहीं, चींटी को सर पे नहीं आने वाली है। तो डिम्पी दीदी जो है मेरे मिडिल सिस्टर, वो बोल रही है कि चींटियां हमारे सर में आ जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बट फिर भी प्लीज अच्छे से शैम्पू कर लीजिएगा। तो अभी मम्मी धो रहे हैं कपड़े, क्योंकि हम अभी नानी के यहाँ से हैं तो सारे कपड़े गंदे हो चुके हैं। तो मम्मी कपड़े धोएगी, मैं थोड़ा इधर उधर का काम कर लेता हूँ, और डिम्पी दीदी जा रही है साइकिल चलाने। तो डिम्पी दीदी और मैंने साइकिल चलानी सीख ली है, कॉन्ग्रेट्स, हमने साइकिल चलानी सीख लिया। और ये जा रही है अन्नू के यहाँ पे, और ये देखो ये मेरे बूट है, और ये वैसे नई नहीं है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि जो मेरे सब्सक्राइबर्स है उसमें मेरे कुछ फैमिली भी है, मतलब जो यहाँ की फैमिली है वो भी है, नानी की फैमिली, नानी यहाँ जो मेरी मम्मा की फैमिली है उन सबको तो पता है क्या क्या शॉपिंग करी है, क्योंकि उन सबको साथ ही गई थी। तो यहाँ के लोगों के लिए सरप्राइज है। तो ये मेरे पुराने बूट थे जो कि मेरी मौसी ने मुझे फिर से गिफ्ट करे थे, तो मेरे पास आधे से ज्यादा गिफ्ट जो है वो मेरी मौसी मेरे मामा के ही है, एक्चुअली आधे से ज्यादा नहीं सारी है। तो ये भी मेरी मौसी ने मुझे गिफ्ट कर रहे थे चांदनी चौक में, वो चांदनी चौक में रहती है तो हमें बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है, हम उनके यहाँ से शॉपिंग करते हैं। तो अभी फिलहाल हमने शॉपिंग करी है नानी के यहाँ से, अब मौसी के यहाँ से नहीं करी, नानी के यहाँ से कर लिया। और जैसे मैंने आपको बताया, मैं मौसी को मैसेज कर देती हूँ जस्ट अभी कि फटाफट से मुझे बाबू की क्लिप्स भेज दे, ताकि मैं आपको बाबू की क्लिप्स दिखा सकूं। हाँ मम्मी। तो अभी फिर लेता ही मैं थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। बाल धो लिया, बस अभी बाथरूम से बाहर निकले, तो अभी तो मैंने कंघी नहीं करी है, तो मुझे तो लग नहीं रहा फर्क वैसे। वैसे अभी कंघी करेंगे तो पता लगेगा। और मैंने अपने बाल धो लिए हैं अभी फिलहाल, और हमारी पतीली भर गई है, तो मम्मी अब रॉड लगाएगी और मम्मी अब नहाएगी, तो फिर हम जाएंगे अपने सरप्राइज करने। तो अभी फिलहाल आज हमारा खाना बनाने का मूड नहीं था, मतलब एक्चुअल मम्मी का नहीं था, मेरा भी नहीं है घर का खाना खाने का। सो
तो अभी हमने मैगी बनाई थी, तो मैगी हमने खा लिया, अभी भी भूख लग रही है, पर चलो कोई नहीं, देखते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 4:04 का। तो मैंने जो है अपना जो क्या लगाया था मम्मी, शहद और दही है ना, शहद और दूध लगाया था वो, मैंने लगाया था 1:42 पे। और अब टाइम हो रहा है 4:10 हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है और हमारा घर पूरी तरीके से क्लीन हो चुका है। तो अभी फिलहाल बस इतना ही, अभी मैं अपने बाल सुखा लेती हूँ, फिर वीडियो में मिलता है। भारत का नक्शा है। अच्छा मुझे बताओ ना, यहाँ कन्या कुमारी कहाँ है? यहाँ नहीं है कन्या कुमारी, ये तो अरे फिर मैंने बाल स्ट्रेट किया था, मैंने क्लेचर लगा लिया है और हम जाने वाली हैं, हमने सरप्राइज किया है। तो यहाँ पे ना हमारे ट्यूशन गई हमारी। हाँ एक और बात, हमारे जो मिडिल सिस्टर है यानी डिम्पल सोलंकी, वो आज ट्यूशन गई है, उनका फर्स्ट डे है, तो वो खाना खा के भी नहीं गई, बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी वो। तो हमने अपने डिजाइनर को अपनी ड्रेसेस दी थी, तो हमारा डिजाइनर हमारे ड्रेसेस लेके आ चुका है, तो ड्रेसेस अभी नहीं दिखा सकते हम। ये डिजाइनर है ना जो कपड़े बनाता है उसको डिजाइनर बोलते हैं, तो हमारे डिजाइनर ड्रेस लेके आ चुके हैं, बट अभी नहीं दिखाएंगे बिकॉज जैसे मैंने पहले बताया था मेरे फैमिली वाले सब्सक्राइब कर रखे, तो उनके लिए सरप्राइज है। तो अभी जब डिम्पी पहनेगी तो पता लग जाएगा, अभी डिम्पी की ड्रेस आई है, मेरी अभी आनी बाकी है। और एक और ड्रेस है जो हमने रेडीमेड ली है, वो भी अभी नहीं दिखाऊंगी, वो हमने बैग में भी रख दिया है। तो अभी फिलहाल इतना ही, तो अभी हम जा रहे हैं सरप्राइज के लिए अपने, जो भी मुझे करना है, तो फिर मिलते हैं। काफी देर से सरप्राइज कर रही थी, वो सरप्राइज 7 February 2022 के लिए कैंसिल हो चुका है। तो ये सरप्राइज जो है वो आपको मिलेगा 9 February 2022, मेरे बर्थडे वाले दिन। एक्चुअली बर्थडे वाले दिन मुझे सरप्राइज मिलना चाहिए, लेकिन आपको सरप्राइज मिलेगा। तो अभी तो फिलहाल ना मैं वीडियो यहीं पे स्टॉप करती हूँ, तो ये वीडियो आपको 8 February को मिलेगी पक्का, प्रॉमिस। मैं 7 February को शूट कर रही हूँ, बट 8 February को मिल जाए, एंड 9 February को एक और नई वीडियो आने है। तो मैं कोशिश करूँगी कि वीडियोज पर डे वाइज, मतलब जैसे कि अभी जैसे इस बार कर रही हूँ, 7 February को शूट करने के बाद 8 February को रिलीज कर दूँ, ऐसे करूँगी, बिकॉज अभी मेरे पास टाइम लगेगा, और अगर मैं एक बार नहीं एडिटिंग कर पाई तो फिर तो नहीं होने वाली है जल्दी से। तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो या ब्लॉग के साथ, वो नहीं पता वीडियो होगा या ब्लॉग होगा, क्योंकि शादी आने वाली है ना, इसलिए तो वीडियोस भी हो सकते हैं ब्लॉग भी हो सकता है। तो फिर मिलूंगी इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड ब्लॉग के साथ, अभी के लिए टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखें। और हाँ, तो फिलहाल मैं आपको वापस अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का नाम यहाँ पे लिख के दे देती हूँ, प्लीज़ 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 मुझे वहाँ पे जाके भी फॉलो कर लो, एटलीस्ट एक जगह तो पॉपुलर कर दो। किट्टो इधर आओ, टाटा करो, बाय, जड्डा कर दो, जड्डा बहुत ज्यादा हो रहा है बाबू। अच्छा टाटा कर दो, टाटा करो पहले, नमस्ते कर दो, मस्ते। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड ब्लॉग के साथ, तो अभी के लिए बाय बाय।